माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उस्मा, आपके कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं सीकेसी, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहां पर ओ लेवल की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें M1 R5 का फर्स्ट पेपर हमने लगभग कवर कर लिया है, और उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं, और इसके साथ साथ नंबर सिस्टम भी हम पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, और आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो ओ लेवल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी वीडियोस शेयर कर सकते हैं या फिर लिंक शेयर कर सकते हैं। ओके, नेटवर्किंग के बारे में भी जानेंगे। नेटवर्किंग के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट पढ़ने वाले हैं, और इंटरनेट वाला जो भी टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कराने के बाद मैं वेब डिज़ाइनिंग यानी सेकंड पेपर स्टार्ट कर रही हूँ, और उसके साथ साथ आपका ऑफिस भी स्टार्ट रहेगा जो फर्स्ट पेपर का पार्ट है। ओके, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों साथ साथ हम लेकर चलेंगे। जितनी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत थी उतनी आपको मिल चुकी है, अब आप सेकेंड पेपर भी पढ़ सकते हैं और फर्स्ट भी मैं कंप्लीट कराती रहूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं हम आज की वीडियो। तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट अगर हम नॉर्मली, वैसे तो आप लोग सब लोग जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, सब लोग यूज़ भी करते हैं, बट अगर हम पूछें तो शायद आप लोग बताने में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना है। तो नेटवर्क को हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो अब पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि नेटवर्क क्या होता है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स का नेटवर्क है। ओके, तो हम लोग को सबसे पहले जानना है व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। ओके, तो नेटवर्क क्या होता है? जब हम कभी भी नेटवर्क या इंटरनेट डालकर कंप्यूटर पर सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह की इमेजेस आ रही हैं। अब इस इमेज से आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कंप्यूटर हैं, बीच में वर्ल्ड मैप है, यानी कि ये वर्ल्ड का जो ग्लोब है ये हमें ये बता रहा है कि ये सारे कंप्यूटर्स या पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग कंप्यूटर चला रहे हैं वो सब इस वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं? बाय नेटवर्किंग या बाय नेटवर्क। ओके, तो बिना नेटवर्क के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम वर्ल्ड में कहीं भी रहते हुए किसी से संपर्क कर पाएँ या सबसे बात कर पाएँ या किसी तरह उन तक पहुंच पाएँ। ओके, तो वो होता है नेटवर्क। तो अभी हमें यही जानना है कि नेटवर्क क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का जो डेटा है वो जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे कंप्यूटर में या एक दूसरे तक या एक दूसरी जगह पर, तो वो कहलाता है नेटवर्क। ओके, अब डेटा और रिसोर्सेस क्या होते हैं? डेटा है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो पिक्चर्स हैं, मूवीज़ हैं, ऑडियो हैं, वीडियोस हैं, उनको शेयर करें आप। और दूसरी चीज़ है रिसोर्सेस। रिसोर्सेज जैसे आपका प्रिंटर है, वो प्रिंटर एक ही है लेकिन आपके पास कंप्यूटर दो या चार या छः हैं, और वो सब ही जो भी प्रिंट दे रहा है वो एक ही प्रिंटर पर जा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा रिसोर्सेज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा नेटवर्क क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क्स। टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं? वैसे तो बहुत सारे नेटवर्क्स के बारे में शायद आपने पढ़ा हो, सुना हो, बट यहाँ पर मैं सारे नेटवर्क्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये जितने भी नेटवर्क हैं इनका टाइप डिपेंड करता है कि आपका जो नेटवर्क है वो कितने एरिया तक फैला हुआ है, यानी कि ज्योग्राफिकली वो कितना एरिया कवर किए हुए है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कौन सा है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि अगर आप थोड़ी दूर पर हैं तो वो आपका लैन होगा, अगर बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहा है तो वो मैन होगा,
इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, हम एक एक करके सबको समझते हुए चलेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि टाइप ऑफ नेटवर्क जो हैं वो ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पर यूज हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट नेटवर्क इज लैन। ओके, लैन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसकी फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, ज़रूर लिख लीजिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आसपास एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या एक दूसरे का डेटा एंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जैसे कि एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में या एक जगह पर। ओके, तो ये होता है आपका लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि एक ही जगह पर जब कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय वायर, तो वो हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। और ये वायर जो हैं वो हब स्विच या फिर राउटर से कनेक्टेड होते हैं। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई ऑफिस है, अलग अलग केबिन हैं, तो उन केबिन्स में भी कंप्यूटर्स जो हैं वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो ये भी आपका लैन कहलाएगा या लैन नेटवर्क है ये। लैन का जो एग्जाम्पल है वो है इथरनेट। ओके, तो इथरनेट अगर कभी एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इथरनेट बता सकते हैं, और इथरनेट होता क्या है इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, अभी आपको इतना ही जानना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है पैन। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर, वहाँ पर जो नेटवर्क होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि वायरलेस होता है। डब्ल्यू लैन के नाम से इसकी फुल फॉर्म भी आती है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होता है कि हमारा जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अब वो हमारा वायरलेस होता है तो ब्लूटूथ से या फिर हॉटस्पॉट से कनेक्टेड होता है। ओके, आप लोगों को आई होप वाईफाई और हॉटस्पॉट कनेक्ट करना आता होगा मोबाइल टू कंप्यूटर और लैपटॉप। अगर नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगी उस पर भी। वाईफाई तो हम इजिली कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप में भी कनेक्ट हो जाता है, बट अगर डेस्कटॉप है आपका तब आपको अगर कनेक्ट करना हो तो उसके लिए आपको यूएसबी केबल की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट है हमारा कैन। व्हाट इज कैन? कैन स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। तो जैसे कि आप जानते हैं कोई स्कूल है कॉलेज है उसका कैंपस होता है और वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके कैंपस में इंटरनेट सारे स्टूडेंट्स को मिले और वो इंटरनेट उसी कैंपस तक रहे उसके बाहर ना जाए, तो वहाँ पर जो नेटवर्क लगाया जाता है वो होता है हमारा कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है, अब स्कूल का ये हॉस्टल है कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर लाइब्रेरी है, इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें होंगी, कैंटीन है या इस तरह से, तो वहाँ पर अगर आपको नेटवर्क जो भी इंटरनेट है वो आपके सभी जगहों पर मिले स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए हम लगाते हैं कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सैन। सैन यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी कि जो बहुत सारे कंप्यूटर्स का जो डेटा है वो एक दूसरे तक पहुंच सके, एक दूसरे को मिल सके। ओके, यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट जिसमें पढ़ेंगे उसमें पढ़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इसमें जो भी चीज़ें आपको लग रहा है डाउट है आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका सैन है वो क्या है, आई स्पेशल हाई स्पीड नेटवर्क दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ये बहुत सारा डेटा जो है वो यूज़ करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है, जैसे हम लोग कभी कॉल करते हैं तो कॉल कट जाती है, लगती नहीं है या इंगेज जाती है, तो वो ट्रैफिक होता है,
तो उस तरह का ट्रैफिक इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है मैन। मैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब हमारा जो नेटवर्क है वो पूरे शहर में फैलाया जाता है, यानी कि हमारे पूरे शहर में जो कुछ भी लोग कंप्यूटर चला रहे हैं या कुछ भी चला डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं वो एक दूसरे से कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए हमें मैन की ज़रूरत होती है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब लोग पूरी सिटी में यहाँ पर लोग कंप्यूटर से डेटा और रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये बता रहा है आपको शेयर डेटा विद इन सिटी एट हाई स्पीड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज वैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वैन जब पूरे वर्ल्ड में लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं बाय इंटरनेट और बाय नेटवर्क, तो वो हमारा कहलाता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मीन्स आप समझ रहे हैं कि सब चारों तरफ फैला हुआ, तो वो होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क में हम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरनेट इसका बहुत अच्छा और पॉपुलर एग्जाम्पल है। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, इसलिए इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं? जो भी नेटवर्क बनाया गया है वो किस तरह से बनाया गया है उसे कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, यानी कि अगर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है तो वहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं उसे ही हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो हमारी फर्स्ट टोपोलॉजी, यहाँ पर कई सारी टोपोलॉजीज हैं, हम इन सब के बारे में एक के बाद एक बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी जो फर्स्ट टोपोलॉजी है विच इज़ स्टार टोपोलॉजी। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? जब कंप्यूटर्स एक दूसरे से स्टार के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, यानी कि सर्वर जो है वो बीच में होता है और उसके चारों तरफ क्लाइंट्स होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है या जो सर्वर होता है वो बीच में होता है, जो जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। अब ये सर्वर है और ये सारे कंप्यूटर्स से कनेक्ट हैं, तो यहाँ जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी डेटा है, वो सब कुछ इसमें है और उसी का सारा डेटा यहाँ पर भी है। यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ जो भी पर्सन है वो अगर इसका या इसका या इसका किसी का भी डेटा देखना चाहता है तो वो यहाँ से इसे एक्सेस कर लेता है ईजली। ओके, उसी तरह से बाकी के भी लोग बाकी का डेटा ईजली एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। बट अगर किसी इसी तरह से अगर किसी एक क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये क्लाइंट मान लीजिए ख़राब हो जाता है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका डेटा यहाँ पर स्टोर रहेगा और वो हमें मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है? अगर ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में सर्वर में या हब में, तो इनमें से कोई भी एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा और सारा काम रुक जाएगा। ओके, तो इसलिए स्टार टोपोलॉजी के बाद एक दूसरी टोपोलॉजी आई विच इज़ बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में जो भी कंप्यूटर्स होते थे वो बस की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, यानी कि बस के फॉर्म में ये बीच में है, आप देख रहे हैं इसके चेयर्स बीच में एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, बिल्कुल आमने सामने नहीं होती हैं। तो उसी तरह से ये कनेक्ट हैं, ये यहाँ पर बीच में वायर है और ये इससे कनेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर किसी एक में या दो में किसी में भी कुछ होता है तो किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसलिए बस टोपोलॉजी जो है वो ज़्यादा यूजफुल मानी गई है कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हमारी है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? एक सर्कल के फॉर्म में जहाँ पर कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो हमारी रिंग टोपोलॉजी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई एक सर्व क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे क्लाइंट जो है वो दूसरी तरफ से डेटा शोर कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से इस तरह से डेटा एक दूसरे से शेयर किया जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी दूसरे में आती है तो भी किया जा सकता है। बट अगर मान लीजिए इस जगह पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे ये दो क्लाइंट और ये दो क्लाइंट अलग हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे का डेटा तो शेयर कर पाएंगे बट इनका डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये टोपोलॉजी भी बाद में रिजेक्ट हो गई थी। नेक्स्ट हमारा है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में भी हमारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से ट्री के फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने वो हायरार्की स्ट्रक्चर और टेबल्स देखे होंगे, उसी फॉर्म में रहता है। तो ये हमारा एक वायर है और इसी से ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा अच्छी टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी किसी एक में कुछ भी हो जाए या दो में हो जाए, किसी तीसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका डेटा एक दूसरे से शेयर हो रहा है। ओके, जैसे कि ये आपका कंप्यूटर है तो हम इसको देख सकते हैं कि ये इससे भी कनेक्ट है इस वायर के थ्रू, उसके बाद इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट है इस वायर के थ्रू, और इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट है इस वायर के थ्रू, और इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट है इस वायर के थ्रू। इसी तरह हम सारे को अगर देखेंगे तो सभी एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से कनेक्टेड हैं। ओके, तो ये हमारी होती है मेश टोपोलॉजी। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वायर ज़्यादा यूज़ होता है और इसलिए ये थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पीयर टू पीयर टोपोलॉजी, जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा कनेक्ट होता है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में जो बाकी की टोपोलॉजीज हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी टोपोलॉजी है वो है बस सॉरी स्टार टोपोलॉजी, और ये जो यहाँ पर है ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है, जबकि ये जो यहाँ पर है ये हमारी बस टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, उस हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर बाकी की सारी टोपोलॉजीज ऐड होती हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप ऑफ टोपोलॉजीज जिसमें हमारी है फर्स्ट टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी, नेक्स्ट बस टोपोलॉजी, नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट ट्री टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड पीयर टू पीयर और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ओके, तो ये टोपोलॉजीज के नाम जरूर आप याद कर लीजिएगा।